हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ ज्ञान की बातें हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल जो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से होने वाला है और नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल भी बताऊंगा मैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही जवाब है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम की बात करें तो थायमिन है। विटामिन बी की कमी होने से फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में विटामिन बी पाया जाता है। ये सब खाया जाता है विटामिन बी की कमी होने से। सवाल नंबर दो, मेंढक के मुँह में कौन से दांत होते हैं। इसका सही जवाब है, मेंढक के मुँह में दांत होमोडोंट के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि होमोडोंट दांत क्यों होते हैं मेंढक के, तो ये भी जान लीजिए, मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। और थीकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़े से धंसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मनुष्य का दांत थीकोडोंट होता है। सवाल नंबर तीन, स्टार्च से क्या संबंधित है। इसका सही जवाब है, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र फॉर्मूला C6H12O6 है। और फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकलिन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। नीट एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये सवाल है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया तो आपको टिक करना है ग्लूकोज को। सवाल नंबर चार, दांत का शिखर क्या से बना होता है। इसका सही जवाब है, दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का बड़ा एवं मजबूत भाग है। और दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। सवाल नंबर पाँच, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही जवाब है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड और रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है। अब जान लेते हैं विटामिन सी की कमी होने से क्या क्या खाना चाहिए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। सवाल नंबर छः, पेपिस्न क्या है। इसका सही जवाब है, पेपिस्न एक एंजाइम है। प्रोपेपिस्न स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेपोटोन्स में परिवर्तित करता है और सभी एंजाइम्स को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सवाल नंबर सात, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह क्या में होता है। इसका सही जवाब है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियां लीवर एंड मसल्स में संग्रहित करता है। और यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्रेन ग्लैंड बाह्य स्रावित ग्रंथ है। लीवर में गड़बड़ी होने के कारण पीलिया रोग होता है जिसे इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं। सवाल नंबर आठ, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। इसका सही जवाब है, दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। और फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो दांत में कौन कौन सा कैल्शियम पाया जाता है ये भी जान लीजिए। दांत में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। सवाल नंबर नौ, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही जवाब है, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है और पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। सवाल नंबर 10, जनन क्षमता में कमी कौन से विटामिन की कमी से होता है। इसका सही जवाब है, पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। सवाल नंबर 11, विटामिन की खोज कब और किसने किया था। इसका सही जवाब है, 1912 में विटामिन की खोज फंक ने किया था। सवाल नंबर 12, डीएनए क्या से बना होता है। इसका सही जवाब है, डीएनए न्यूक्लियोइड से बना होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सवाल नंबर 13,
कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है, और ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। सवाल नंबर 14, यकृत लीवर द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय गाल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? इसका सही जवाब है लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ए फ्रक्टोज, बी डेक्सट्रिन, सी गैलेक्टोज, डी माल्टोज। इसका सही जवाब है डाइसैकेराइड माल्टोज है। ये सवाल भी नीट एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, आज का सवाल जवाब आपको काम का लगा और एग्जाम में पूछे जाने वाला लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।